बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 पीस सूट में से बचे हुए फैब्रिक के साथ 2 से 2.5 साल की बच्ची की कुर्ता और बेल्ट वाली शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। हमारे पास यह फैब्रिक शर्ट और ट्राउज़र का। सबसे पहले हम शर्ट का फैब्रिक ओपन करेंगे। इसमें जो सादा विड्थ वाला फैब्रिक है उसको हमने सेंटर में रखा। इसके साथ हमारे पास बचा हुआ है बॉर्डर का फैब्रिक, इसको हम इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। और इसकी विड्थ को पूरा करने के लिए हमें पैनल्स पर लादा सेपरेट कपड़ा लगाना पड़ेगा, जो कि तिरछा सीधा नहीं है तो हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा। इसके लिए ऊपर से हम कटिंग करके इसको इक्वल कर लेंगे सेंटर वाले फैब्रिक के साथ। पैनल्स को हम इस सीढ़ी लैस के साथ ज्वाइन करेंगे फ्रंट और बैक साइड पर। सबसे पहले ये हम इक्वल कर लेंगे सेंटर वाले कटिंग करके इसकी। उसके बाद हम ये जो पैनल की फैब्रिक को इक्वल करेंगे और इसकी फ्रंट और बैक के पैनल को इक्वल करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पैनल को अटैच करेंगे हम सीढ़ी लैस के ज़रिए। इसके लिए हम जो सेंटर वाला फैब्रिक है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो हमारे पास सीढ़ी लैस है इसकी उल्टी साइड रखेंगे ऊपर की तरफ। रखकर इसको हम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमारे पास पैनल का फैब्रिक है उसको भी हम इस तरह सीढ़ी लैस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ये फ्रंट और बैक का जो पैनल है हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इसके साथ अटैच करेंगे ये बॉर्डर। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे बॉर्डर को अटैच करेंगे। ये हमारे पास बॉर्डर अटैच हो गया दोनों फ्रंट और बैक दोनों साइड्स का। अब हम इस शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की कटिंग के लिए हमारे पास ये जो तीरा होगा वो 4.5 इंचज़ होगा और इसका आर्म होल हम 5 इंचज़ रखेंगे, क्योंकि 1/2 इंचज़ के ऊपर से तिरछी कटिंग होती है नेक पे। इस तरह हम सीधी लाइन के ज़रिए इसको मिला लेंगे। और चेस्ट के लिए हम 6 इंचज़ पे निशान लगाएंगे, जो कि इसको डबल करके इस 12 इंचज़ हो जाएगा। और चौक पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह हम इसको सीधी लाइन से मिला देंगे और 1/2 इंच से कम हम अंदर की तरफ निशान लगा के इसको गुलाई दे देंगे हल्के हाथों से डीप कटिंग के लिए फ्रंट की। और इस तरह बैक पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद 1/2 इंचज़ थोड़ी सी तिरछी हम ये नेक पे लाइन लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास शर्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम ये नेक के लिए 1/2 इंच की बुकरम काटेंगे तकरीबन 8 इंचज़, और इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम ये जो सीढ़ी लैस है इसको इसके सेंटर में रख के इसको स्टिच कर लेंगे। इसके बाद जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक लैस के साथ साथ उसको कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी स्ट्रिप भी तैयार कर लेंगे। इस तरह हमारे पास नेक की दोनों स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं, जो कि 8 इंचज़ की हैं। इसके बाद हम शर्ट पे नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम गले की चौड़ाई रखी है हमने 2.5 इंचज़ और उसकी डीपनेस रखी है हमने 3 इंचज़। इस तरह हम इस 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे और दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हमने इसके वी नेक के लिए 1.5 इंचज़ पर निशान लगाया है 1.5 इंचज़ पे। इसके बाद हम गले को हल्के हाथों से गोल शेप दे देंगे। इसके साथ ही हमें एक छोटा सा वी बनाना है, उसके लिए हम तकरीबन 1/2 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और इसकी वी की डीपनेस के लिए हम तकरीबन 1.5 इंचज़ पर निशान लगाएंगे, यानी 1.5 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद हमने ये जो स्ट्रिप लगानी है सेंटर में उसकी हमने लंबाई रखनी है तकरीबन 6 इंचज़, और इस तरह हम तकरीबन 1/2 इंचज़ से ज़्यादा पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिप है वो तकरीबन 1/2 इंचज़ से 1 सूत्र ज़्यादा है। तो इस तरह हम इसको निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे।
उससे पहले हम बुकरम का एक छोटा सा पीस लेंगे और उसको चारों तरफ से फोल्ड करके इक्वल करके उसको इसके साथ पेस्ट कर लेंगे शर्ट के साथ, ताकि हमारा जो नेक है वो नीचे से फिनिशिंग के साथ उसकी स्ट्रिप आए। इसके लिए हम इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरह कटिंग करने के बाद हमने ये जो ट्रायंगल बनाई है उसको इस तरह हम कटिंग कर लेंगे उसकी, और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने लेस ज्वाइन करनी है उसको हम पहले काट लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ आए। उल्टी साइड पर रख के इस तरह इसको स्टिच कर लेंगे शर्ट वाले फैब्रिक के साथ। इस तरह दूसरी स्ट्रिप के लिए हम लेस को फिनिशिंग के साथ इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो नीचे से फिनिशिंग के साथ आए। इसी तरह जिस तरह हमने स्ट्रिप लगाई है उस तरह हम दूसरी स्ट्रिप भी लगा लेंगे, इसको अंदर की तरफ रख कर सीधी साइड पे। ये हमारा नेक रेडी हो गया। उसके बाद हम इस शर्ट को उल्टा करके जो हमने तकवन बनाई थी उस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारे ये जो धागे वगैरह हैं बाहर ना निकलें। उसके बाद हम ये स्ट्रिप जो फ्रंट ऊपर आई है उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारी स्ट्रिप नेक की तरफ ज़्यादा है उसकी कटिंग कर लेंगे दोनों साइडों पे जो स्ट्रिप एक्स्ट्रा है। उसके बाद हमारे पास ये एक्स्ट्रा बचा हुआ बुकरम का पीस है, पहले बड़ा गला बनाया हुआ था उसमें से बचा हुआ, उसके लिए हम ये जो नेक में से फैब्रिक बचा है उसको रखेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है दोनों साइडों पर। इस तरह हम ड्रा कर लेंगे और तकरीबन 1 इंचेस पर निशान लगा लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। और ये जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है उसके साथ साथ हम इसको स्टिच कर लेंगे। हमारा नेक रेडी हो गया और इसके बाद हम इधर तरपाई कर लेंगे। उसके बाद हम ये शोल्डर को जोड़ लेंगे आपस में। इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग करके इस पर तिरछी स्ट्रिप लगा लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए वो मैंने ऑफ कैमरा ही कर लिया। उसके बाद ये हम दामन में फोल्डिंग पट्टी लगाएंगे जिसकी हमने विड्थ ली है 3 इंचेस, जिसका फोल्ड करके 1.5 इंचेस बनता है। और इस तरह ऊपर से फोल्ड करके हम फ्रंट और बैक पे इसकी फोल्डिंग पट्टी लगा लेंगे। उसके बाद ये हम सेकेंड वाली सिलाई है उसको लगा के इसको फिनिशिंग के साथ इसका फ्रंट और बैक दामन पूरा कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक की फोल्डिंग पट्टी तैयार हो गई है और अब हम कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो जब फोल्डिंग पट्टी की दूसरी सिलाई लगाते हैं उसके साथ भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने बाद में सिलाई लगाई थी। उसके बाद जस्ट हमारे स्लीव्स रह जाते हैं और हमारे पास जस्ट ये फैब्रिक बचा है, उसके लिए हमें स्लीव्स में भी ये जोड़ डालने पड़ेंगे। और इनको जोड़ के हम 10 इंचेस की लेंथ उसकी पूरी करेंगे और इसके जिधर जॉइनिंग करनी है उधर भी हमें ये सिरी लेस लगानी पड़ेगी। सबसे पहले इसको इक्वल कर लेंगे चारों पीसेस को और इसकी लेंथ हमने 10 इंचेस रखनी है और इसके लिए हमें नीचे भी सेपरेट फैब्रिक लगाना पड़ेगा और उसमें भी हम सिरी लेस के जरिए इसको जॉइन करेंगे। ये हमारे पास स्लीव्स रेडी हो गए हैं, अब हम ऊपर शोल्डर की कटिंग कर लेंगे।
बाद स्लीव की आगे से 4.5 इंचेस अब विड्थ रखे, उसकी कटिंग भी कर लेंगे। और अब हम ये फोल्डिंग पट्टी लगाएंगे, तकरीबन फोल्ड करके 1.5 इंचेस की, और दोनों स्लीव्स पे लगाएंगे। इस तरह हम फोल्ड करके इसको ऊपर रख इस तरह एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अंदर की तरफ लैस जितना चौड़ा हम इसको फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई लगा लेंगे सीवी लैस के साथ साथ। मेरे पास स्लीव्स रेडी हो गए हैं और अब हम 4 इंचेस पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद शोल्डर के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे स्लीव्स को। और ये है जी हमारे कुर्ते की ओवरऑल लुक। आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगी। सलवार का हमने घेर लिया था तकरीबन 12 इंचेस, और नीचे से 5 इंच के लिए हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया, और 5 इंच के लिए हमने तकरीबन 5 इंचेस पे निशान लगाए, और आसन हम ऊपर से रखेंगे तकरीबन 6 इंचेस। और ये 6 इंचेस पे निशान लगाने के बाद ये जो नीचे से हमने 5 इंच का निशान लगाया था उसको हल्के हाथों से ज्वाइन कर देंगे दोनों को, और इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, और बेल्ट की हमने तकरीबन लेंथ ली है 5.5 इंचेस, और बेल्ट की चौड़ाई हमने ली है 13 इंचेस, जो कि सिलाई होने के बाद 12 इंचेस रह जाएगी। ये स्मार्ट और स्लिम बच्ची के लिए बेल्ट की ये मेजरमेंट है, और अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप उस अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास सलवार की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम ये ऊपर नेफे का निशान लगाएंगे तकरीबन 1.5 इंचेस पे, और उसको फोल्ड कर लेंगे। और हमारे ये शलवार की लेंथ 17 इंचेस थी। उसके बाद बेल्ट को हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइडों से। स्टिच करने के बाद इस तरह ये होगा, और हम इसको थोड़ा सा मोड़ के इसको स्टिच कर लेंगे ताकि इलास्टिक डालने में हमें आसानी हो। उसके बाद हमारे पास शलवार है उसके आसन की सिलाई लगा लेंगे। हमारे पास सिलाई लग गई है। उसके बाद हम ये यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंचेस पे इसको फ्रंट वाले साइड पे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों साइडों पे, और हम ये तकरीबन तीनों पीसेस को सिलाई कर लेंगे, चारों पीसों को नहीं करेंगे। ये हमारे पास इस तरह 3 पीसेस हैं, इनको हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पे छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे तकरीबन 6.5 इंचेस के। ये हमारे पास प्लेट डाल चुके हैं। उसके बाद हम ये बेल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले बेल्ट को फोल्ड करके उसके कॉर्नर्स पे ये छोटे छोटे कट लगा लेंगे, और सलवार की सिलाई और बेल्ट की सिलाई को ऊपर नीचे रख के इसको स्टिच कर लेंगे। और इसको स्टिच करते हुए हम वो जो छोटे छोटे कट लगाए हैं उन तक आएंगे दोनों साइडों पर, और जो अलहदा फैब्रिक बचेगा उसके हम बैक पर जितने भी प्लेट्स लेंगे उनको डाल लेंगे। उसके बाद इलास्टिक के लिए हम तकरीबन 1.5 इंचेस अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको स्टिच कर लेंगे।
इसके बाद हमने इलास्टिक लिया, उसकी लेंथ तकरीबन 16 इंचेस है, और इस तरह हम किसी सुई या किसी चीज़ की मदद से इसको इसके अंदर डाल लेंगे। इसके बाद दोनों इलास्टिक की दोनों साइडों को ऊपर नीचे रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, 2-3 सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारी पक्की हो जाए। उसके बाद हम इलास्टिक डालने के बाद इसको इसकी चुनट्स को सीधा कर लेंगे, और जो जहाँ से हमने इलास्टिक डाली थी उधर से हम सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद हम चुनट्स को इक्वल करके उसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के, ताकि हमारी इलास्टिक फोल्ड ना हो अंदर। हमारी शलवार ऊपर से तकरीबन रेडी हो गई है। उसके बाद हम इसके पाइंचे तैयार करेंगे। उसके लिए हमने बुकरम की तकरीबन 1-1 इंचेस की 2 पट्टियाँ काटी हैं, और उसके बाद हमने इसको शलवार के पाइंचे के ऊपर पेस्ट किया है अच्छी तरह से, और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया, और इसके बाद इसके ऊपर हम 2 सिलाई लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। आप इसके लिए इस पर 6 या 4 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने इस पर सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। उसके बाद जी पाइंचे की सिलाई हम तकरीबन 4.5 इंचेस पर लगाएंगे। इसके बाद हम सेंटर में छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि ये हमारा खिंचाव ना आए शलवार में। ये हमारी शलवार तकरीबन रेडी हो चुकी है। उसके बाद ये जो बेल्ट वाली सिलाई है उसको हम उसकी उल्टी साइड पे हम उसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा उसको ऊपर की तरफ मोड़ के उसके किनारे किनारे पे ऑल अराउंड द बेल्ट सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो हमारे धागे वगैरह ये ना निकले। यह है जी हमारी बेल्ट वाली शलवार की ओवरऑल लुक, जो कि पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आई होप सो कि आप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।